हेलो गाइस, आज मैं सिर्फ होता है इन मंगा का चैप्टर 80 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें फेरेट की फादर सेतो को दिखाया जाता है, जहाँ पर हकुया सेट का लोग बोलते हैं कि सेट हमारा सब कुछ प्रिपरेशन एकदम रेडी हो गया, बस आपका ऑर्डर का इंतजार है। तभी सेतो बोलता है ठीक है, इस बार कोई भी कसर मत छोड़ना, हमारा ओपोनेंट आफ्टर ऑल फर्स्ट वैम्पायर है, और हाँ जैसे ही काम खत्म हो जाए ना हम लोग रिट्रीट कर देंगे। और दूसरी तरफ हमें शिविया में दिखाया जाता है, जहाँ पर किरीटो को आवी मतलब मिसु की बड़ी बहन बोलती है कि हमारे से मतलब आसपास में काफी सारे चौपड़ दिखाए जा रहे हैं और वो लोग अचानक से आके हमला कर रहे हैं। तभी किरीटो बोलता है डैम इट, मैं इतने ज्यादा वैम्पायर को लेकर गिर गया था, मैं भूल ही गया था कि इंसान भी हम लोग का एनिमी है, जल्दी से चलो। और किरीटो बोलता है जितना हो सके उतना आर्चरीज को यहाँ लेके जाओ, सिर्फ होता है एंड को एक्टिवेट करो, आर्चरी तुम लोग चौपड़ के ऊपर हमला करो, मिसाइल को मैं खुद देख लूंगा। तभी सीनिया के पास जाता है, जब सीनिया हमला कर रहा होता, लेकिन तभी वहाँ पर एक नॉवल वैम्पायर आकर सीनिया को बहुत बुरी तरीके से मारता है। सीनिया बोलता है देखो ब्रदर क्रीटो, यहाँ पर एक नॉवल वैम्पायर है और वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। और तभी सीनिया को बचाने वहाँ पर गोली आ जाता है, जब गोली बोलता अच्छा तुम, मैं तो सोच रहा था तुम मर गए होगे। तभी वो पलटा बोलता है कि मुझे लगा था तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, पहले ये बताओ इंसानों की मदद कर रहे हो तुम, ये सब कुछ उस फैट की वजह से हो रहा है। तभी फैट वहाँ पर आया था, वो क्या सच में तुम जिंदा हो, अगर तुम यहाँ पर हो तो इसका मतलब डैडी डियरेस्ट भी यहाँ पर जल्दी से आ जाएंगे, वैसे भी तुम्हारा गले में जो चीन है ना वो काफ़ी टाइम से पता हुआ रहता है, तो एक काम करता हूँ तुम्हारा गला काट देता हूँ। तभी वो पलटा बोलता है कि तुम मुझे चाकर भी मार नहीं सकते, मैं 6th पोलिनेटर हूँ और तुम 7th पोलिनेटर हो। तभी फैट बोलता है अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं इतना ज़्यादा श्योर नहीं होता, क्योंकि मेरे यहाँ पे इस बार मेरे साथ क्रोली भी है और काफ़ी सारे इंसान दोस्त बनाए हुए, शायद तुम कुछ ज़्यादा ही अंदर आ गए एनिमी टेरिटरी के अंदर। तो वहाँ पे गॉर्डन की टीम में आ जाता है, गॉर्डन नहीं होता। तभी 6th पोलिनेटर बोलता है कि मुझे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जो काम करने आया वही करूँगा, और जो प्लान है वो हमेशा से लॉर्ड सेतो कर रहा है अब तक और अभी भी और आगे भी रहेगा, और मैं इंसानों में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं रखता। और तभी उसके पीछे साकुया सेट का एक लोग आता है, मतलब एक आदमी आता है जो यू को पहले उठाया था, एक डायमेंशन कट कर देता है वो, फिर उसे लेके उस वैम्पायर को लेके वो भी वहाँ से गायब हो जाता था। फिर से उसने मैं आप सोच रहा हूँ कि ये कहाँ गया गायब हो गए। तो तभी वहाँ पे वो वाला बंदा आया जो डायमेंशन कट कर पाता है, वो आकर वहाँ पर हमला करने लगता है, लेकिन उसके साथ वो 6th वाला पोलिटर नहीं होता है, वो अकेले ही हमला करता है, कुल्लू उसके साथ लड़ रहा होता है, कुल्लू और शिनिया दोनों ही टक्कर में होता है, ऐसा नहीं है कि किसी का पल्ला भारी है, बस शिनिया थोड़ा पिट रहा होता है। कुल्लू बोलता है कि कम ऑन फैट थोड़ा काम तो करो यार। तो फैट बोलता है एकदम रुको मैं अभी सोच रहा हूँ अपने दिमाग में। तो फैट मनी में सोचता है कि चल क्या रहा है कि मतलब डैडी डियर हमला क्यों किया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या, सिर्फ अपना एंड को लेने का या फिर कुछ और। तो फाइनली उसे क्लिक हो जाता है और वो जल्दी से जाके उस डायमेंशन कट करने वाले बंदे को पकड़ के एक ही सेकंड में हरा जाता है, फैट उसका काफ़ी बुरी तरह से घायल कर देता है। ये देख के शिनिया बोलता है तुमने तो एक ही सेकंड में खेल खत्म कर दिया। तभी फैट बोलता है हाँ और तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना था। ये तभी शिनिया बोलता है कि हाँ थैंक यू। तभी फैट बोलता है थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है, दोस्तों में थैंक यू क्या होता है यार। तभी शिनिया बोलता अभी तो तुमने ही बोला थैंक्स बोलने के लिए। तभी फैट बोलता चलो अब अगर तुम्हें थैंक्स बोलना ही है तो मेरे लिए मेरा एक काम करो, एक ऐसा ओपोनेंट है ना जिसे मैं वन ऑन वन फाइट में हरा नहीं सकता, तुम्हें मेरा थोड़ा मदद करना पड़ेगा। और फिर हम सिर्फ होते हैं इनके पास सिखाया जाता है, जहाँ पे किमिसुकी की बहन को एक्टिवेट किया जाता है, जहाँ पर किमिसुकी उसी टाइम पहुँच जाता है, हालांकि वो थोड़ा लेट होता है, और किमिसुकी भी चिल्ला रहा होता है कि मेरे बहन को छोड़ दो, लेकिन सिर्फ होता है एक्टिवेट होने ही वाला होता। और तभी किमिसुकी के बाजू में फैट की फादर मानो अचानक से आकर खड़ा हो गया था। तभी से तो बोलता अच्छा तो तुम्हारा बहन है, तो मुझे उसे केयर के साथ ट्रीट करना चाहिए हाँ। तभी किमिसुकी बोलता तुम यहाँ कैसे हो, तुम कौन हो। तभी फैट की फादर से तो बोलता है कि अभी क्या तुम्हें सच में ये पूछना चाहिए, मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारी बहन की मदद करना चाहिए। और तभी वहाँ पे शिनुआ आ जाती है, जी हाँ जिसके अंदर फर्स्ट वैम्पायर होती है, वो आकर बोलते हैं वो कितना टाइम नहीं मिले हाँ। तो फैट की फादर से तो भी बोलता है कि हाँ काफ़ी टाइम बाद मिले हाँ फर्स्ट। और हाँ इधर ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर मेरे ख्याल से 2 हफ्ते बाद आएगा, या मैं 2 हफ्ते के लिए थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ, आप लोग पता है यार स्टूडेंट हूँ मैं, तो जैसे रिटर्न करूँगा कुछ नया एनिमे या फिर कोई मंगा एक्सप्लेन जरूर से करूँगा, आप लोगों को बता दूंगा वैसे इस महीने के आखिर तक क्या करने वाला। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करें, वीडियो को यहीं पर खत्म करते, फिर मैं एक्सप्लेन होते हैं।